दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस तरह का ब्राउन एंड ब्लू टोन फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके में, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइट में आपको यूज करते हुए। अगर आपको भी करना है कुछ इसी तरह का सेम टू सेम फोटो एडिटिंग, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और अपने चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तो गाइस चले जाए बात के बिना आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपका जो फोटो है इसे आपको लाइट रूम ऐप के अंदर इंपोर्ट करना है। तो साइड में थ्री डॉट में क्लिक करके ऐड फोटो में क्लिक करके फाइल में आ जाना है और आपका जो फोटो रहेगा दोस्तों उसे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो इस फोटो है मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको ऑल फोटो में क्लिक करना, आप तो आपने जो फोटो इंपोर्ट किया शो होगा फोटो में क्लिक कर देना, सबसे पहले फोटो को ओपन कर लेना। अभी इसका लाइट को आपको एडजस्ट करना है। तो साइड में बहुत सारे टूल शेडिंग के लिए, लाइट वाला टूल्स में आपको क्लिक कर देना, कॉन्टेस्ट को इंक्रीज कर देना एटलीस्ट 46 के आसपास रख देना, हाईलाइट को डिक्रीज कर देना क्योंकि इसमें जो हाईलाइट है बहुत ही ज़्यादा हो गया दोस्तों, इसे आपको -63 पर रख देना। शेडो को इंक्रीज कर देना, इंक्रीज करके आपको कहना +20 पर रख देना दोस्तों। व्हाइट को भी इंक्रीज कर देना, व्हाइट को इंक्रीज करके +22 पर रख देना दोस्तों। ब्लैक को डिक्रीज कर देना, डिक्रीज करके -20 पर रख देना। अभी सिंपल आ जाना है कलर वाला टूल्स में। अभी इसके जो टेम्प है टेम्प को इंक्रीज कर देना है, टेम्प को इंक्रीज करके आपको कहना है +34 के आसपास रख देना दोस्तों। अभी टेंट है, टेंट को आपको डिक्रीज कर देना है, टेंट को डिक्रीज करके आपको कहना है -20 पर रख देना है दोस्तों। वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देना, वाइब्रेंस को इंक्रीज करके +30 पर देना। अभी मिक्स टूल्स में क्लिक करना, मिक्स टूल्स में आने के बाद आपको इसके जो रेड का ह्यू है, ह्यू को आपको माइनस कर देना है, इसे माइनस करके -14 के आसपास रख देना दोस्तों। उसके बाद अब इसके जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन को सिंपली इंक्रीज कर देना, इसके सैचुरेशन को हम लोग रखेंगे 40 के आसपास दोस्तों। उसके बाद आपका आ जाना है ऑरेंज वाला कलर में, ऑरेंज वाला जो कलर है फेस के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद इसका सैचुरेशन को डिक्रीज कर देना, डिक्रीज करके आपको कहना है 50 के आसपास रख देना है दोस्तों। लुमिनाइज को इंक्रीज कर देना, इसे इंक्रीज करके 20 पर रख देना। आप लुमिनाइज को जितना इंक्रीज करोगे स्किन उतना गोरा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है येलो वाला कलर में, इसमें आने के बाद ह्यू को एकदम माइनस कर देना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है दोस्तों। सैचुरेशन को माइनस करके -70 के आसपास रख देना दोस्तों। सो हो गया। अभी क्या करना है, लुमिनाइज को डिक्रीज कर देना, लुमिनाइज को डिक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे -30 पर रख देंगे। अभी ग्रीन वाला कलर में आना है दोस्तों, इसका जो ह्यू है सैचुरेशन है दोनों को एकदम माइनस कर देना है और लुमिनाइज को माइनस करके -20 पर रख देना है। अभी एक्वा ब्लू कलर में आ जाना है दोस्तों, एक्वा ब्लू कलर में आने के बाद इसका जो ह्यू सैचुरेशन है दोनों को माइनस कर देना है दोस्तों, लुमिनाइज को इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज करके प्लस क्या करना है 30 पर रख देना है दोस्तों। ब्लू वाला कलर में आ जाना, ब्लू वाला कलर में आने के बाद ह्यू को आपको कुछ इस तरह से इंक्रीज करके आपको कहना है इसे 46 के आसपास रख देना है। तो कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 46 के आसपास रख देना, सैचुरेशन को कर देना एकदम फुल 100 दोस्तों, लुमिनाइज को माइनस करके -25 के आसपास रख देना दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कलर में आ जाना है, इसका जो ह्यू है इसका जो सैचुरेशन है एकदम माइनस, इसका भी सैचुरेशन को माइनस, अभी सिंपली डन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कलर ग्रेडिंग करना है, सिंपली आ जाना है कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन में, कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन में आ जाने के बाद आपको कहना है सिंपली शैडो में आ जाना, शैडो की साइड में गैरोस होता है इसमें आपको क्लिक कर देना दोस्तों। इसमें क्लिक करने के बाद सैचुरेशन को सिंपली इंक्रीज करके आपको 20 पर रख देना है और इसके जो ह्यू है ह्यू को रखना है 243, तो कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देना 243 पर रख देना दोस्तों। लुमिनाइज को डिक्रीज कर देना, इसे डिक्रीज कर देना दोस्तों, इसे डिक्रीज करके -42 पर रख देना दोस्तों, ठीक है। अभी सिंपली क्या करना, हाईलाइट में आ जाना दोस्तों, हाईलाइट में आ जाने के बाद इसके जो सैचुरेशन है सैचुरेशन को रखना है 44, कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देना 44 पर रख देना दोस्तों। उसके बाद इसका जो ह्यू है ह्यू को रखना है 224, तो कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 224 के आसपास रख देना दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे जो है लुमिनाइज है, लुमिनाइज को माइनस कर देना, माइनस क्या करना है सबको 15 पर रख देना है। अभी सिंपली लास्ट में आ जाना है ग्लोबल में, ग्लोबल में आने के बाद आप किसके सैचुरेशन है सैचुरेशन को डिक्रीज कर देना, इसे आपको 16 पर रख देना है दोस्तों। उसके बाद इसके जो यू है यू को रखना है 236, कुछ इस तरह से इनके से 236 के आसपास रख देना दोस्तों। अभी एकदम नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग में, तो हाईलाइट में आ जाने के बाद नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग मोड को जो है एकदम फुल कर देना है दोस्तों। उसके बाद इसके जो बैलेंस है, बैलेंस को रखना है +25, तो कुछ इस तरह से इनके 25 पर रख देना, अभी सिंपली डन में क्लिक कर देना है। इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद फोटो में तो कलर आ चुका है दोस्तों। उसके बाद आपको कहना है आपको फोटो में कुछ इफेक्ट का अप्लाई करना है, आ जाना है इफेक्ट वाला टूल्स में दोस्तों। स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 20 पर रख देना, क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना 16 पर रख देना, डीआई को इंक्रीज करके 12 पर रख देना है। अभी बिगनेट को सिंपली माइनस कर देना, बिगनेट को माइनस करके -23 पर रख देना है दोस्तों।
मिड पॉइंट को डिक्रीज कर देना, इसे डिक्रीज करके -34 पे रख देना है दोस्तों। फेदर को इंक्रीज करके आपको क्या करना है 60 पे रख देना है। इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको फोटो एकदम बन के दीजिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हो कितना ऑसम लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद शेयर में क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।